सतना जिला उपाध्यक्ष एवं नवनियुक्त अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह के प्रथम सिंगरा गांव आगमन पर अखिल भारतीय कुर्म वंशी समाज की महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती मधु नंदू पटेल के आवास पर ग्रामीणों के द्वारा अजगर माला पहनाते हुए भव्य अभिनंदन किया। इसमें उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि मैंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर रहकर हमेशा जनता की सेवा की है। ये नई जवाबदारी जो राष्ट्रीय स्तर की मिली है उसको निभाते हुए मैं पहले सतना जिले में सभी वर्ग की महिलाओं को उनके दायित्वों को भली भांति बताते हुए जागरूक कर उन्हें और उनके परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के साथ ही समरसता और एकता को जागृत करने का प्रयास करूंगी। हर समय जनता की सेवा में तत्पर रहूंगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नंदू सिंह सेमरा, कुर्मवंशी महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मधु विनय सिंह के साथ ही मधु सिंह, विनय सिंह, वीरभान सिंह, इतमा कोठार, बुद्धसेन विश्वकर्मा, दिलीप पटेल, संजीव पटेल, सुदामा पटेल, जागेश्वर पटेल, भाईयान पटेल, प्रदीप पटेल, रमेश पटेल, काली पटेल, मालती पटेल, जगतधारी पटेल, देवेंद्र पटेल, तीरथ पटेल, बबलू पटेल, राजपाल पटेल, विमला या पटेल, राम नरेश पटेल, रामपाल कुशवाहा, बजरंगी ताम्रकार, बटखुरा, हुकुमचंद पटेल, धामन कोरी, छोटू बुनकर, छोटू विश्वकर्मा, अमर सिंह, राम लखन पटेल, राम प्रकाश पटेल, अरुण पटेल, राम कधाई पटेल, बिना पटेल, विनय पटेल के साथ ही मन बिस्रा पटेल, कुटिया साकेत, लक्ष्मण साकेत के साथ सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे और डॉक्टर रश्मि सिंह को बधाई दी। घर की ही महिलाओं को पहले जोड़ना, मुझे जिम्मेदारी जरूर राष्ट्रीय स्तर की मिली है, लेकिन पहला प्रश्न यही उठेगा कि आप पहले सतना जिले की महिलाओं को जो महिला नहीं बढ़ा पाई तो वो पूरे देश की महिलाओं को क्या बढ़ा पाए। तो मेरी जिम्मेदारी आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग घर से मजबूती प्रदान करिए। आपकी घर की जो महिला जिस चीज में आगे बढ़ना चाहती है उसका सहयोग करिए। अपने बड़े भाइयों और बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा कि देखिए समय परिवर्तित हुआ है और इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। हम पुराने समय के साथ चले कहीं ना कहीं परिवर्तन थोड़ा हमको भी लाना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब कोई पद मिलता है तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आता है। तो जो जिम्मेदारी मुझे मिली गई है कि मैं महिलाओं के उत्थान और उनके विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगी, महिलाओं से संबंधित उनकी शिक्षा से, रोजगार से और समाज में जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं, दहेज प्रथा की, बाल विवाह की, इनको भी हम दूर करने का पूरी तरह से हमारे समाज की महिलाएं और हम सभी महिलाएं पूरी तरह से तत्पर रहेंगी। और हम महिलाओं के बीच में जाके जो भी हमारी पिछड़ी महिलाएं शोषित हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे अंतिम छोर में बैठी हुई, उनके सहयोग के लिए हम सभी हमेशा खड़े रहेंगे और महिलाओं को एक समूह के रूप में, समुदाय के रूप में खड़ा किया जाएगा ताकि वो हर घर से एक आवाज बनकर महिलाएं आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करें।